एग्जाम्पल नंबर टू, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन का है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं जल्दी से बताएं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए है, जिसको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इन तीन इक्वेशन से आपका सारा गुजारा हो जाएगा, बस ये तीन इक्वेशन पता होने चाहिए। ये इलेवंथ में भी हैं भाई, सेम इक्वेशन, तो आप यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन पढ़ो, जो दिया हो वो लिखते चले जाओ, आप सीधे सीधे आंसर की तरफ पहुँच जाओगे। देखो गिवन दैट आपको क्या क्या दे रखा देख लो, आपसे कह रहा है अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर स्लाइड करना चाह रही है बॉडी विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ क्वेश्चन के अंदर खुद कह दिया कि बॉडी के पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। आगे देखो, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो होता है घर्षण, घर्षण चीज़ों को रोकता है ना, अगर आपके आपने फर्श पर किसी बॉल को फेंका तो वो बॉल कुछ टाइम बाद रुक जाती है, वो क्यों रुकी है, क्योंकि फ्रिक्शन ने उसको रोक दिया। तो सवाल ये है ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, अब उसकी वेलोसिटी घट रही है, और जब वेलोसिटी घटती है तब उस केस में रिटार्डेशन होता है बॉडी के पास में। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ, जो रेट होता है उसी को आप रिटार्डेशन कहते हो, रेट दे रखा आपको 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो रिटार्डेशन होता है उसको आप माइनस साइन के साथ दिखाते हो, और यहाँ पर मेंशन किया हुआ भी है माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रिटार्डेशन बॉडी के पास था, हमसे कह रहा हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, कितना टाइम लग जाएगा बॉडी को रुकने के लिए, तो हमसे टाइम पूछा गया है। ठीक है, और जब बॉडी रुक जाएगी तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, जब बॉडी पूरी तरह से रुक जाएगी। ठीक है, चलो इतना सब कुछ हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ वेलोसिटी है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जब दो वेलोसिटी दे रखी हो तो या तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे या फर्स्ट लगाओगे। अब थर्ड लगाने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फिर कॉमन सेंस की बात है कि आप फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके पास v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 0, u कितना आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0.5, प्लस a कितना है माइनस 0.05, और टी कितना है ये हमसे पूछ रहा है कि टाइम बताओ। ठीक है, अब देखो ये टर्म पूरी की पूरी निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि प्लस की जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव हो जाएगी, तो निगेटिव को जब इधर को लेकर आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 0.05 इंटू टी इज इक्वल टू 0.5। आपको टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 अपॉन 0.05। देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट थे, आपने सेम ऊपर कर लिया, पॉइंट के बाद दो डिजिट लगा दिए, अब पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 अपॉन 5, तो 50 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 10 से 50, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेकेंड। होप सो समझ में आ गया होगा, सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड सारे के सारे ये एग्जाम्पल हैं, इनको सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इजी है, अगर अंडरस्टैंड नहीं हो तो वीडियो को कई बार देख लो, अंडरस्टैंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात करते हैं।